हाँ, तो राज सचिवालय का टॉपिक चल रहा था, तो इसमें मैंने इसकी कार बता दिए थे। कार और भूमिका लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन मैंने भूमिका के पॉइंट कुछ अलग से यहाँ पर लिखे हैं। डिस्क्रिप्शन लगभग वही रहेगा जो हम कार में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला इसमें जो पहली इसकी जो भूमिका है, राज्य स्तर पर मुख्य नीति निर्माणकारी निकाय के रूप में, हाँ, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राज्य स्तर पर जो नीति निर्माता निकाय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, क्योंकि जो भी नीतियाँ बनती हैं वो राज्य सचिवालय में ही बनाई जाती हैं। और जैसे मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री का नाम होता है कि मुख्यमंत्री नीतियाँ बनाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उस पर सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उसके लिए उत्तरदायी है ना। तो ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में व्यवहार में जो नीतियां हैं वो राज्य सचिवालय में बनती हैं, और जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके द्वारा उस पर सिग्नेचर किए जाते हैं। ठीक है, तो पहली भूमिका है। इसके बाद मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकारी निकाय, एक्चुअली जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। अभी हम मुख्य सचिव पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर उसका जिक्र आएगा। ठीक है, तो चूंकि जब इसका प्रमुख जो मुख्य सचिव है वो प्रधान सलाहकारी निकाय होता है, प्रधान सलाहकारी होता है मुख्यमंत्री का, तो ये जो निकाय है ये भी जो है मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकारी हो जाएगा, है ना। जो मुख्य सचिव है वो राज सचिवालय का प्रमुख होता है, और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। तो ऐसी स्थिति में ये निकाय भी, चूंकि अब निकाय मुख्य सचिव का निकाय है, मुख्य सचिव ही उसका हेड है ना, और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, प्रधान सलाहकार होता है, तो ये निकाय भी मुख्यमंत्री का सलाहकार कहा जाएगा। इसके बाद संबंधित मंत्री के आंख और कान के रूप में सचिवालय काम करता है, सचिव खास तौर से। मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि जो सचिव होता है वो मंत्री का आंख, मंत्री के आंख और कान होते हैं, यानी सचिव जो भी करते हैं, यानी मंत्री जो भी करते हैं वो सचिव के परामर्श से करते हैं, सचिव के कहने पर करते हैं, सचिव के कहने के बिना जो है, सचिव के परामर्श के बिना मंत्री कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से इसकी भूमिका के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सहायक के रूप में राज सचिवालय जो होता है वो मंत्रिमंडल का सहायक होता है। मंत्रिमंडल संबंधी सारे कार्य जो है राज सचिवालय में ही होते हैं, सारे प्रस्ताव राज सचिवालय में पारित, राज सचिवालय में तैयार होते हैं, चाहे वो विधेयक हो, चाहे कोई प्रस्ताव हो, चाहे मंत्रिमंडल का एजेंडा हो, है ना। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उसकी ये व्यवस्था करता है राज सचिवालय। मंत्रिमंडल में जो भी चर्चाएं होनी है उनकी कार्यसूची यानी एजेंडा इसके द्वारा तैयार किया जाता है। चर्चाएं जो होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। मंत्रिमंडल को नीति निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मंत्रिमंडल संबंधी जितने भी काम हैं, ऑफिशियल काम, वो जो है राज्य सचिवालय में किए जाते हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं मंत्रिमंडल का सहायक है। राज्यपाल के सहायक के रूप में इसको भी मैंने बताया हुआ है, जो मुख्य सचिव होता है सामान्यतः मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद तो होते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वही मुख्य सचिव राज्यपाल को सलाह प्रदान करने का, हेल्प करने का काम करता है। राज्य स्तर पर मुख्य समन्वयक होता है ना, राज्य स्तर पर जितने भी विभाग काम करते हैं उन विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का ये काम करता है। इसके अलावा अन्य जो प्रशासनिक अभिकरण है राज्य में उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का ये काम करता है। अभी हम मुख्य सचिव पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये जिक्र आएगा, तो वहां पर मैं और इसका डिटेल आप लोगों को बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। प्रशासन का मस्तिष्क इसको कहा जाता है। प्रशासन का मस्तिष्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोच यहां से जो है जनरेट होती है, किसी विषय पर किसी मुद्दे पर जो है सोच यहां से जो है पैदा होती है, उत्पन्न होती है, और उसको जो है आगे पहुंचाया जाता है ना। मतलब सोचने का काम इसका है ना, ये सोचता है, और करने का काम निदेशालय का होता है। मैंने तीन स्तर बताए थे, एक राजनीतिक स्तर है, एक सचिवालय है और एक निदेशालय है। तो सोचने का काम जो है सचिवालय का होता है,
और उसने जो सोचा उसके संबंध में मंत्री को उसने राय प्रदान की, उसके आधार पर नीतियां बनी, उसको फिर क्रियान्वयन करने का काम निदेशालय को होता है। तो इस तरीके से इसको प्रशासन का मस्तिष्क बोला जाता है। सूचनाओं का केंद्र, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सूचनाएं जो है यहाँ पर बहुत सारी संग्रहित की जाती हैं और उन सूचनाओं को विभागों तक, संस्थाओं तक पहुँचाया जाता है, राज्यपाल तक पहुँचाया जाता है, मंत्रियों तक पहुँचाया जाता है, मंत्रिमंडल तक पहुँचाया जाता है ना, तो इसको सूचनाओं का केंद्र बोलते हैं। राज्य का हितैषी इसको कहा जाता है। राज्य का हितैषी कैसे होता है, राज्य के हित में जो है ये केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्र के विभिन्न अभिकरणों से संपर्क करता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। केंद्र के जो विभिन्न अभिकरण हैं, जैसे नीति आयोग है, वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, भारत निर्वाचन आयोग है ना, तो इन सभी केंद्रीय संस्थाओं से राज्य के हित में इसके द्वारा संपर्क किया जाता है और अपना राज्य, अपने राज्य का पक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है राज्य के हितैषी के रूप में उसकी भूमिका। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। अब इसमें लास्ट बचता है इसके दोष या सीमाएं, राज्य सचिवालय के दोष या सीमाएं। बहुत कॉमन दोष है जो आप अगर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको भी पॉइंट ये मिल जाएंगे। कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, विशेष पॉइंट नहीं है, बहुत कॉमन पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि जो केंद्रीय सचिवालय है उसमें पशुपालन के जो स्तर हैं वो ज्यादा हैं। पशुपालन के स्तर ज्यादा कैसे है, जो सॉरी राज्य सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय सचिवालय की जो आलोचना है वही इसकी भी आलोचना है। तो राज्य सचिवालय जो है उसमें पशुपालन के जो स्तर हैं ज्यादा हैं। पशुपालन के स्तर ज्यादा कैसे हैं, जैसे सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है, फिर उसके नीचे बहुत सारे सचिव होते हैं, फिर अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, फिर नीचे अन्य पदाधिकारी, सहायक अधिकारी है, वरिष्ठ लिपिक है, कनिष्ठ लिपिक है, चतुर्थ श्रेणी पदा कर्मचारी हैं, ये सारे, ये क्या है, हायरार्की है, पशुपालन है। तो कोई भी आदेश या कोई भी सूचना ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो कार्य में विलंब जो है एक बड़ी समस्या है, बड़ा दोष है। और कार्य में विलंब की वजह क्या है, कार्य विलंब की वजह है पशुपालन के स्तरों में अत्यधिक वृद्धि होना, अत्यधिक ज्यादा होना, मतलब ज्यादा होना। पशुपालन के स्तर ज्यादा होने से क्या होता है, मान लीजिए कोई आदेश ऊपर से नीचे आता है तो वो नीचे आते आते उसको समय बहुत लग जाता है। कोई भी सूचना नीचे से ऊपर पहुंचती है तो पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है, हर स्तर में उसको थोड़ा रोकना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं कि सीधे नीचे से ऊपर पहुंच गए या ऊपर से नीचे आ गए, है ना, उसको जो है ठहरना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, इंतजार करना पड़ता है अनुमति का, सिग्नेचर का, है ना। तो इस तरीके से जो है, चूंकि पशुपालन के स्तर ज्यादा है इसलिए जो है किसी कार्य को संपादित करने में काफी समय लग जाता है, कार्य में विलंब होता है। तो ये बड़ा दोष पाया जाता है। इसके अलावा जो सचिवालय है, राज्य सचिवालय है, उसमें कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों की संख्या ज्यादा है ना, बहुत कॉमन चीजें हैं। देखो ये किसी भी राज्य सचिवालय में, मतलब राज्य सचिवालय में कर्मचारी अधिकारी बहुत ज्यादा होने से सरकार पर अत्यधिक बोझ, वित्तीय बोझ रहता है, क्योंकि वेतन देना है और वेतन थोड़ा बहुत नहीं रहती है, वेतन ज्यादा होती है ना, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। जैसे मुख्य सचिव का वेतन 2.5 लाख होता है और उसके आसपास बाकी जो सचिव हैं उनका वेतन होता है, तो 2 लाख के आसपास जो है वेतन बाकी का रहता है। तो इतने ज्यादा कर्मचारी पदाधिकारी होने से सरकार का जो वित्तीय बोझ है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये एक दोष है। इसके बाद बहुत ज्यादा कार्य बोझ रहता है, कार्य बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं राज्य सचिवालय को, तो इससे भी जो है उसको अपने दायित्वों का सही समय पर निर्धारित करने, सही समय पर संपादन करने में कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। तो ये इस तरह से वही पॉइंट मैंने बताए हैं, जो अभी जिनका जिक्र किया है वही है। सचिवालय में कार्मिकों की संख्या ज्यादा है, इससे जो है वित्तीय बोझ बढ़ जाता है होना, जिससे सरकार पर, इससे सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ होना, है ना, कार्य बोझ बहुत ज्यादा होने से दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं हो पाता है, स्तरों की संख्या अधिक होने से
कार्य में विलंब की समस्या बनी रहती है, समय पर कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, है ना, लेट लतीफी चलती रहती है कार्यों को लेकर के, औपचारिकताओं का अत्यधिक पालन होना, ये भी कॉमन चीज है। मतलब जो भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी विभाग हैं, उन सभी में जो है औपचारिकताएं बहुत ज्यादा अपनाई जाती हैं, उनका पालन किया जाता है, इससे भी जो है कार्य में विलंब होता है, समय पर कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। अत्यधिक पालन होने से कठोरता, एक इसमें पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, कठोरता बनी रहती है ना। सचिवालय तथा निदेशालय के मध्य संबंधों में हमेशा तनाव बना रहता है, समन्वय नहीं पाया जाता है ना। सचिवालय तथा सचिवालय द्वारा क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया जाता है ना, सचिवालय द्वारा जो है क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया जाता है, यानी सचिवालय जो है एक परामर्शदायी निकाय है, लेकिन कभी कभी जो है वो क्रियान्वयन करने वाला निकाय बन जाता है, यानी निदेशालय के कार्यों में हस्तक्षेप वो कभी कभी करने लग जाता है। ठीक है, औपचारिकता नहीं, कठोरता है, मतलब औपचारिकताओं का पालन होने से कठोरता रहती है। औपचारिकताओं का पालन होने से मतलब होता है कि रूल्स रेगुलेशन ज्यादा अपनाए जाते हैं, तो उससे कठोरता आती है। किसी भी काम को कराने में जो है बहुत सारे नियम कानून रहते हैं इसमें, तो आसानी से वो काम सही नहीं हो पाता, जैसे आसानी से काम संपादित नहीं हो पाता है, किसी काम की स्वीकृति करानी है तो वो जल्दी उसको उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी, तो इससे जो है कार्यों में कठोरता बनी रहती है। सचिवालय द्वारा क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया, इसमें एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि सचिव तथा मंत्री के बीच जो संबंध है उनमें भी समस्याएं चलती रहती हैं, तो एक पॉइंट यहां पर और हम बढ़ा सकते हैं, सचिव तथा मंत्री के मध्य उचित संबंधों का अभाव, का अभाव है ना। तो इस तरीके से कुछ दोष के पॉइंट यहां पर हम बता सकते हैं, और इस तरीके से ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, ये नया टॉपिक यहां से स्टार्ट हो जाता है। राज्य सचिवालय के बाद आगे है मुख्य सचिव, इसके जस्ट बाद का टॉपिक। देखिए, राज सचिवालय को पढ़ लेने के बाद आपको उसके आगे के जो दो टॉपिक हैं उनको समझने में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मुख्य सचिव का टॉपिक है, फिर आगे सचिव का टॉपिक है, इन सभी का जिक्र हो चुका है। मुख्य सचिव में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी है कि सारी चीजें वही हैं, हम राज सचिवालय के बारे में पढ़ चुके हैं, राज सचिवालय का जो हेड है वो मुख्य सचिव होता है, तो राज सचिवालय के जो कार्य है वही कार्य मुख्य सचिव को भी करना है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के संबंध में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका फॉर्मेट यहां पर मैंने बताया हुआ है, प्रस्तावना है, चयन तथा नियुक्ति है, कार्यकाल है, वेतन है, कार्य है, स्थिति तथा भूमिका है, आलोचना और निष्कर्ष, इतनी चीजें इसमें बताना। एक इसमें हम संगठन वाला भी पॉइंट डाल सकते हैं, संगठन, बीच में संगठन का भी एक पॉइंट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सचिवालय अवस्थित होता है, राज्य सचिवालय स्थित होता है, इसका सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है या इसके पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव अवस्थित होता है, मुख्य सचिव का पद होता है। और मध्य प्रदेश में राज सचिवालय के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में राज सचिवालय स्थापित हुआ है, गठित हुआ है, और इसका जो मुख्यालय है वो वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक दायित्वों का सुगम संचालन के लिए राज सचिवालय अवस्थित होता है, जिसके पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है, यानी जिसका सबसे बड़ा पदाधिकारी या जिसका प्रमुख मुख्य सचिव होता है। फिर आपको बताना है कि वर्तमान में
वर्तमान जो वर्तमान में मध्य प्रदेश जो राज्य सचिवालय है उसका जो प्रमुख यानी उसका जो मुख्य सचिव है उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। उनका नाम है वीरा राणा और ये 20 नवंबर 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं, है ना। इनका फोटो देखो बना हुआ है, वीरा राणा फोटो आपको दिख रहा है। और वीरा राणा जो है ये निर्मला बुच के बाद मध्य प्रदेश में निर्मला बुच के बाद जो है मुख्य सचिव के पद पर कार्य करने वाली दूसरी महिला कही जाती हैं। ये फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब चूंकि अभी जो आप लोगों को मेंस देना, ये मेंस, ये वाला जो मेंस है 2024 में जो मेंस होगा तो उसमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ ले कि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर कार्य करने वाली दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन है या पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में, है ना। उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो निर्मला बुच मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर कार्य करने वाली पहली महिला कही जाती हैं और वीरा राणा इस पद पर कार्य करने वाली दूसरी महिला कही जाती है, एमपी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको जो है स्टार्टिंग में लिखना, ये इंट्रोडक्शन में लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि जो राज्य सचिवालय है उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी मुख्य सचिव होता है और वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर कौन कार्यरत है, ये कार्यरत है, इनका समय आपको लिख देना है ब्रैकेट में, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद आगे इनके नाम देखिए लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश में जो मुख्य सचिव अभी तक हुए हैं उनकी लिस्ट यहां पर दी गई है। पहला, पहले मुख्य सचिव का नाम आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव। पहले मुख्य सचिव श्री एच एस कामत, ये 1 नवंबर 1956 बने और 24 नवंबर 1963 तक ये इस पद पर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन रहे, तो और ये 2 मार्क्स में आ सकता है। बाकी प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन मुख्य सचिव नहीं रहा, उनका क्रम कभी पूछ लेते हैं प्री एग्जाम में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है प्री के हिसाब से भी। तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, एच एस कामत, जिसके बाद आर पी नरोन्ना बने हैं, एम पी श्रीवास्तव, आर पी नायक, फिर आर पी नरोन्ना वापस से बने हैं, फिर एम एस चौधरी, फिर एस सी वर्मा है, के एल पसरीचा है, वी के दुबे हैं, श्री जी जगतपति हैं, श्री बीरबल, फिर ब्रह्मस्वरूप और फिर के सी एस आचार हैं, श्री एम एस सिंहदेव हैं, आर एन चोपड़ा, चोपड़ा है एक्चुअली चोपड़ा लिखा है चोपड़ा, और आर एस खन्ना हैं, आर पी कपूर हैं, फिर श्रीमती निर्मला बुच, ये देखिए श्रीमती निर्मला बुच यहाँ पर जो है उनको नियुक्त किया गया था और ये उनका समय है 1991 से 1993 तक ये रही है निर्मला बुद्ध, जो पहली महिला मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव ये रही है। ठीक है, 18वें नंबर पर इनका नाम यहां पर आप देख रहे हैं, 1991 से 1993 तक ये रही हैं। फिर एन एस सेठी, एस सी बिहार, के एस शर्मा, पी के मल्होत्रा, ए बी सिंह, वी के साहा रहे हैं, श्री विजय सिंह, आर सी साहनी, अवनिवेश, आर परशुराम, अंटोनी, जे सी डिसा और वसंत प्रताप सिंह। इसके बाद सुधीर रंजन मोहंती, एम गोपाल रेड्डी, इकबाल सिंह वेंस और अभी वर्तमान में श्रीमती वीरा राणा। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है,
ये लिस्ट आपको ऐसे याद नहीं करना है, एक प्री के हिसाब से थोड़ा सा देख लेना होता है। मेंस में ये आपको लिस्ट ज्यादा काम की नहीं है, वो तो मैंने इसलिए बताई ताकि आपको जानकारी लगे कि कितने कौन कौन इसमें मुख्य जो रहे हैं एमपी में, ठीक है। बाकी आपको पहला और अभी का ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहला अभी का और पहली महिला, दूसरी महिला तो यही है, ठीक है। इतने फैक्ट आपको दो नंबर के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। बाकी और पूरी लिस्ट ऐसे मेंस के हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये है इस तरीके से मुख्य सचिव। इसके बाद आगे ये फिर एक कोटेशन मैंने लिखा हुआ है जिसको आप इंट्रोडक्शन के बाद लिख सकते हैं। अब ये टेबल तो आपको खैर अपने आंसर में बनानी नहीं है ना, ये टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये टेबल तो ऐसे दिखाने के लिए है, बताने के लिए होती है ना। कई चीजें जो ऐसी रहती हैं कि जो बताई जाती हैं वो ज्यादा उनका यूज नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसका यूज होता है ना। तो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे और उसके बाद फिर ये एक कोटेशन लिख दिया जाता है कि मुख्य सचिव राज सचिवालय का एक ऐसा किंग पिन है जो सचिवालय के सभी विभागों को परस्पर जोड़ता है, परस्पर संयुक्त करता है ना। किंग पिन मतलब जोड़ने वाला पिन, ठीक है। जो सचिवालय के अंदर विभिन्न विभाग होते हैं उनको ये जोड़े रखता है आपस में, तो इसलिए इसको बोलते हैं किंग पिन, है ना। पिनों का किंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप जो है यहां पर कोटेशन लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। इसके बाद फिर इसका संगठन थोड़ा सा लिखना है, यहां पर वो संगठन नहीं दिया है तो हम संगठन इसका लिखेंगे। हालांकि राज सचिवालय को वहां पर हमने ये सारा पढ़ लिया है, वही चीज यहां पर बताना है आप लोगों को। संगठन में आपको ये बताना है कि जो मुख्य सचिव होता है वो राज सचिवालय का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है या उसके शीर्ष पर स्थित होता है, पशुपालन के शीर्ष पर स्थित होता है। और मुख्य सचिव को हेल्प करने के लिए राज सचिवालय के अंतर्गत विभिन्न अलग अलग जो है सचिव होते हैं, फिर उसके नीचे अतिरिक्त सचिव होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, अवर सचिव होते हैं, अनुभाग अधिकारी होते हैं, सहायक अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ लिपिक होते हैं, कनिष्ठ लिपिक होते हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताई हुई है आपको राज सचिवालय में, तो वही आपको यहाँ पर बताना है और उसका एक डायग्राम बना देना है, ठीक है। जो हम लिखेंगे उसी का यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा, ऐसे जैसे राज सचिवालय यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर इकाई जो मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर इकाई हो गया और ये हो गया प्रमुख, और इकाई में राज सचिवालय और इसके आगे उसके प्रमुख लिख देना है मुख्य सचिव। फिर नीचे इसके नीचे होते हैं बहुत सारे विभाग आते हैं, फिर विभाग का प्रमुख कौन होता है, सचिव या शासन सचिव उसको कहा जाता है। फिर इसके नीचे मैंने बताया उप विभाग होता है, विंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका प्रमुख अतिरिक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव होता है, एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। फिर उसके नीचे होते हैं प्रभाग जिसको बोलते हैं डिवीजन, है ना, उसका प्रमुख होता है उप सचिव जिसको बोलते हैं डिप्टी सेक्रेटरी। फिर उसके नीचे होती है शाखाएं, शाखा ब्रांच, उसका प्रमुख होता है अवर सचिव या अंडर सेक्रेटरी। फिर उसके नीचे सबसे नीचे हो गया अनुभाग सेक्शन, और उसका प्रमुख होता है अनुभाग अधिकारी या सेक्शन ऑफिसर। तो इस तरीके से आपको ये बताना है, ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। यही डायग्राम हमने राज सचिवालय में भी पढ़ा है, उसी को यहां पर बनाना है। जब हम आगे सचिव के बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे तो वहां पर भी ये चीज आ जाएगी, क्योंकि सब वही चीजें हैं, मिलती जुलती चीजें हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि राज सचिवालय अगर आप अच्छे ढंग से समझ गए हैं तो आपको फिर मुख्य सचिव को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए चयन तथा नियुक्ति, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है पहले, मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को राज सचिवालय के वहां पर, है ना। राज सचिवालय में जो मुख्य सचिव होता है वो सबसे वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी होता है, राज्य में जितने भी आईएएस पदाधिकारी होते हैं उनमें सबसे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, और उसकी नियुक्ति में मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो एक विचारक हुई है मीना सोगानी, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है मीना सोगानी, के अनुसार मुख्य सचिव के चयन में इन तथ्यों का ध्यान रखा जाता है,
मुख्य सचिव का जब चयन होता है, जब उसकी नियुक्ति होती है, तो ये तीन तत्वों का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। उसमें सबसे पहले आता है प्रशासनिक अनुभव तथा वरिष्ठता, सीनियरिटी, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर ही नियुक्तियां होती हैं, यहां पर जितनी भी होती हैं, और फिर प्रशासनिक अनुभव भी देखा जाता है। इसके बाद होती है योग्यता, कार्य निष्पादन तथा सेवा अभिलेख, सर्विस रिकॉर्ड। इसको हम एक अलग वर्ड इसके लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसको बोला जाता है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, इसमें क्या होता है कि उसकी जो सर्विस होती है, किसी भी पदाधिकारी की सर्विस होती है, उसके आधार पर जो है ये क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है तैयार होती है, उसको उच्च पदाधिकारी द्वारा चेक किया जाता है, उसके द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं, उसके आधार पर फिर उसका प्रमोशन होता है, है ना। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है पदोन्नति का एक बड़ा आधार माना जाता है ना, पदोन्नति के लिए जो है ACR अगर सही नहीं है तो पदोन्नति का अवसर उसको नहीं मिलता है ना। मान लो ACR कहते हैं ना, ACR खराब कर दिए, उच्च पदाधिकारी क्या करते हैं, उच्च पदाधिकारी के हाथ में यही तो होता है, क्योंकि वो वही लिखते हैं, वही सिग्नेचर करते हैं, अगर उन्होंने जो है कुछ लिख दिया कि भाई ये सही नहीं है, ये जो पदाधिकारी है इसका कार्य जो है संतोषजनक नहीं है, इतना लिख दिया, तो आप मान के चलो कि प्रमोशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी ना। कार्य संतोषजनक है तो इसका मतलब यह है कि उसकी प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ACR में ये चीजें मेंशन की जाती हैं, है ना। जो भी पदाधिकारी, उसका जो परफॉर्मेंस होता है, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है, ACR वार्षिक होती है, और उसके बेस पर फिर आगे चलकर उसका प्रमोशन होता है। और ये उच्च पदाधिकारी उसका तैयार करता है, क्योंकि उच्च पदाधिकारी जो है उसके कार्यों को देखता है, उसका मूल्यांकन करता है। तो ये एक बड़ा आधार है वरिष्ठता के बाद, सेकेंड आधार। तीसरा है मुख्यमंत्री का अधिकारी पर विश्वास। मुख्यमंत्री का अगर भरोसा है उस पदाधिकारी पर, तो उसको मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। कुछ ऐसे IAS पदाधिकारी होते हैं जो मुख्यमंत्री के चहेते होते हैं, मुख्यमंत्री के खास होते हैं, तो वो तो फिर मुख्यमंत्री ने चाह लिया कि इसको बनाना है तो बनाना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पूरी तरीके से इस मामले में मुख्यमंत्री का बड़ा रोल होता है, मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको मुख्य सचिव बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन आधार जो है मीना सुगानी द्वारा बताए गए हैं। फिर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, साधारणतया मुख्य सचिव की नियुक्ति जो होती है वो वरिष्ठता के आधार पर होती है, कुछ अपवादों को छोड़कर, इसमें कुछ अपवाद भी हैं को छोड़कर, इसके चयन तथा नियुक्ति में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो मुख्यमंत्री की होती है, वही बात जो हम पहले भी कह चुके हैं और मैं अभी भी कह रहा हूं। डबल तो खैर नहीं होती है, देखिए आपने देखा कोई भी एकाध धार डबल हुए हैं, जैसे नरोन्ना करके दो बार उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, होने को हो सकती है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है ना। जैसे हमारे संविधान में कुछ चीजें लिखी है, एक बार नियुक्त होने के बाद फिर दोबारा नियुक्त नहीं होंगे, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं किए जाते, क्योंकि एज हो जाती है एक, तो क्योंकि बहुत बाद में बनते हैं, वरिष्ठ हो जाते हैं, तो उनको उनकी एज ही हो जाती है, इसके बाद फिर वो बन ही नहीं सकते ना, तो नॉर्मली जो है दोबारा नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकते, कुछ अपवाद हुए हैं, ठीक है। तो ये है इस तरीके से चयन तथा नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। इसके बाद वेतन आता है, कार्यकाल आएगा। तो कार्यकाल देखिए, इसका इनका निश्चित नहीं होता है, चाहे सचिव की बात करें, चाहे मंत्रिमंडल सचिव की बात करें, चाहे मुख्य सचिव की बात करें, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो है ये 2 वर्ष तक अपना कार्य संभालते हैं, नॉर्मली जो 2 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं, क्योंकि संविधान में तो इनका उल्लेख है नहीं, मुख्य सचिव है कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिव है, इनका कहीं संविधान में मेंशन किया नहीं गया है, और ना ही कहीं अधिनियम में कोई उल्लेख किया गया है ना। कई ऐसे पदाधिकारी, कई ऐसे संगठन है जिनका संविधान में उल्लेख है, संविधान में उल्लेख नहीं है तो अधिनियम में उल्लेख है,
जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन अधिनियम में है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसका प्रावधान किया गया। तो इनका, इनके जो पदाधिकारी, इनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं, इनका कार्यकाल डिसाइड है क्योंकि अधिनियम में लिखा हुआ है, लेकिन इनके बारे में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि भाई 2 साल तक ही रहेगा, कोई सचिव या मंत्रिमंडल सचिव या मुख्य सचिव 2 साल तक रहेगा, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, जैसे आर परशुराम थे, उनका कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बहुत खास माने जाते हैं, है ना। अब जो रिटायर हो गए तो अब उनको हटना पड़ा, इनके बार बार उनको पढ़ाते जा रहे थे उनका कार्यकाल, है ना। तो ऐसा होता है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है ना। मुख्य सचिव कार्यकाल निश्चित नहीं है, सामान्यतः 2 वर्ष तक वो अपना कार्य संभालते हैं और इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यह है इस तरीके से इसके बारे में। फिर इसमें एक लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव का जो पद है इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे टेन्योर पद्धति से अलग रखा गया है, उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। अब इसके बारे में आपको समझना है, टेन्योर पद्धति एक्चुअली ये पुरानी पद्धति है, इसकी जो स्टार्टिंग है ब्रिटिश काल से मानी जाती है, 1905 यानी 1905 से इसको स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ इसका हुआ है 1905, लॉर्ड कर्जन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। टेन्योर पद्धति, टेन्योर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, इसको पदावधि प्रणाली भी बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पदावधि प्रणाली और इंग्लिश में टेन्योर सिस्टम बोला जाता है। हिंदी में पदावधि प्रणाली बोलते हैं, इंग्लिश में टेन्योर सिस्टम बोला जाता है और इसको लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि राज सचिवालय से जो ये पदाधिकारी होते हैं ये केंद्रीय सचिवालय में भेजे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेपुटेशन, इसलिए एक वर्ड आता है डेपुटेशन पर भेज दिया, ऐसा वर्ड आता है ना, उनको वहां पर डेपुटेशन पर भेजा गया है ना। तो राज सचिवालय में जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनको एक निश्चित अवधि के लिए केंद्रीय सचिवालय में भेज दिया जाता है, केंद्रीय सचिवालय में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ समय के लिए राज सचिवालय में भेज दिया जाता है, ऐसे ही राज सचिवालय में जो काम कर रहे हैं उनको एमपीपीएससी में भेज दिया जाता है, केंद्रीय सचिवालय में जो लोग जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनको यूपीएससी में भेज दिया जाता है। सचिव जो होते हैं ना, उप सचिव है, ये कहाँ से आते हैं, राज सचिवालय से आते हैं। सचिव है, उप सचिव है, जो अपने एमपीपीएससी में होते हैं तो ये राज सचिवालय से आते हैं, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहता है ना, राज सचिवालय से केंद्रीय सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय राज सचिवालय में आते आते रहते, आना जाना रहता है, तो केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय बना रहता है, जानकारी मिलती रहती है कि भाई राज्य में क्या चल रहा है, केंद्र के अनुभव जो है राज्य को मिल जाते हैं, राज्यों के जो अनुभव हैं केंद्र को मिल जाते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है ये अस्थायी व्यवस्था होती है, यानी एक निश्चित अवधि के लिए इनको भेजा जाता है राज्य से केंद्र में, मान लीजिए 2 साल के लिए उनको भेजा गया और 2 साल बाद फिर वापस अपने यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, मान लीजिए उसको 2 साल के लिए किसी को भेजा गया, अब उसको दिल्ली की हवा लग गई, वहां पर सुविधाएं ज्यादा हैं, फैसिलिटी ज्यादा है, उनको सैलरी भी ज्यादा मिलती है वहां पर, और राजधानी में रह रहे हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि सोर्स लगा लगा के वहीं पर टिक जाते हैं, तो ये इसकी विसंगति है, इसकी आलोचना हम ये जब उस समय पब्लिक एड पढ़ते थे टेन्योर सिस्टम का पूरा एक क्वेश्चन आता था टेन्योर सिस्टम के बारे में। अब यहाँ तो देखो एक केवल वर्ड है, वहां पर टेन्योर सिस्टम पूरा पढ़ते थे कि टेन्योर सिस्टम होता क्या है, किसने स्टार्ट किया और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके इम्पैक्ट हैं, अच्छे प्रभाव क्या हैं, बुरे प्रभाव क्या हैं। अच्छे प्रभाव तो ये है कि कोऑर्डिनेशन बना रहता है, एक दूसरे का के अनुभव मिल जाते हैं, केंद्र के अनुभव राज्य को मिल जाते हैं, राज्य के अनुभव केंद्र को मिल जाते हैं। लेकिन विसंगति यही है कि जो है जो केंद्र में पहुंच गया वहीं टिका रहता है,
वापस नहीं आता है, तो यहाँ पर फिर काम की प्रॉब्लम आ जाती है, लोग ही नहीं काम करने के लिए, सब उधर चले गए। लेकिन अस्थायी तौर पर ऐसा किया जाता है। तो ये जो टेन्योर सिस्टम है इसमें मुख्य सचिव बाहर है, मतलब बाहर है इसका मतलब क्या हुआ, यानी मुख्य सचिव को वहां पर नहीं भेजते हैं, ये इसका मतलब है। आ गया समझ में टेन्योर सिस्टम। अब जैसे आप, जैसे कोई अब नोट्स पढ़ेगा, देखो आप जिसने समझा नहीं कि भाई टेन्योर सिस्टम से ये बाहर है, तो उसको समझ में नहीं आया कि बाहर मतलब क्या। अभी एक लाइन जो लिखी है इसका मीनिंग तभी समझ में आएगा जब आपको टेन्योर सिस्टम के बारे में पता होगा। अब इसमें डिटेल तो मैंने लिखा नहीं है, टेन्योर सिस्टम में होता क्या है, किसने प्रारंभ किया, कब प्रारंभ हुआ, है ना। तो जब तक इसका मतलब समझ नहीं आएगा तब तक जो है इस लाइन का मीनिंग उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो मुख्य सचिव और सचिव ये दोनों ही जो है टेन्योर सिस्टम से बाहर होते हैं। इसके अलावा जो पदाधिकारी होते हैं उनको जो है केंद्र से राज्य में, राज्य से केंद्र में भेजा जाता है, ऐसा है। यानी अतिरिक्त सचिव है, संयुक्त सचिव है, उप सचिव है, ये खास तौर से टेन्योर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इनका आना जाना चलता रहे, है ना, ना तो सचिव और ना ही मुख्य सचिव, और उधर ना ही कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव केंद्र में जो होता है, केंद्र में मंत्रिमंडल सचिव होता है, राज्य में मुख्य सचिव होता है, सचिव वहां भी होते हैं, सचिव यहां भी होते हैं। तो ये जो है इस व्यवस्था से बाहर रखे गए हैं, उनको जो है इसके तहत इधर उधर नहीं किया जाता। इसके नीचे जो पदाधिकारी होते हैं यानी अवर सचिव, सॉरी अतिरिक्त सचिव हैं, संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उप सचिव हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इनको जो है टेन्योर सिस्टम में रखा गया है। यानी इनको केंद्र से राज्य में और राज्य से केंद्र में भेजा जाता है, राज्य सचिवालय से केंद्रीय सचिवालय में और केंद्रीय सचिवालय से राज्य सचिवालय में इनको भेजा जाता है कुछ निश्चित अवधि के लिए। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है, समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। आगे अब ये देखो एक फैक्ट लिखा हुआ है, ये अगर टफ क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा। पहले जो है प्री में इस तरह क्वेश्चन आया करते थे, जब प्री में ये राज का प्रसार पूरा पब्लिक एक्ट था, तो यहां से क्वेश्चन आ रहा था कि मुख्य सचिव को कब केंद्र की सचिवों के समतुल्य दर्जा दिया गया, ये और किसकी सिफारिश पर दिया गया। इसके लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार ने सुधार आयोग जो था, फर्स्ट ARC प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसने जो है रिकमेंड की थी कि जो मुख्य सचिव है उसको केंद्र के सचिवों के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन किसकी है, प्रथम प्रशासनिक सुधार, फर्स्ट ARC, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो इन्होंने जो है इसने ये बोला था कि राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको केंद्र सरकार के, भारत सरकार के सचिवों के बराबर दर्जा मिलना चाहिए और उसके आधार पर उनको वेतन मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन की गई थी इसके द्वारा। तो इसकी अनुशंसा यानी इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 1973 में ये किया गया, ये निर्णय लिया गया, है ना। अगर कभी डीप फैक्ट दो नंबर में पूछेगा तो सन पूछ सकता है कि कब ऐसा हुआ, ईयर पूछ सकता है, और किसकी अनुशंसा यानी किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ, तो प्रथम प्रशासन सुधार आयोग की अनुशंसा पर हुआ था, है ना। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, 1966 में इसका गठन हुआ था, अंतिम रिपोर्ट इसकी 1970 में आई थी। ये पूरा इसका डिटेल है, हम इसका बहुत डिटेल पढ़ते थे 1966 से 1970 तक का है ये, बहुत सारी सिफारिशें इसमें ली थी और उसमें कुछ लागू भी हैं। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना। तो इनके अध्यक्षता में गठित हुआ था और इसने बहुत सारी सिफारिशें दी हैं, उसमें एक सिफारिश थी कि मुख्य सचिव को भारत सरकार के सचिव के समतुल्य दर्जा मिलना चाहिए और इसके आधार पर ही जो है ये दर्जा 1973 में इसको दे दिया गया।
और उनके बराबर ही जो है इसको वेतन दिया जाता है, 2,50,000-2,50,000 रुपए जो है मासिक वेतन अभी इनको दिया जा रहा है। नहीं सॉरी ये गलत लिख गया है, 2,50,000 एक्चुअली कैबिनेट सेक्रेटरी का है, ये है 2,25,000 ये है ना, 2,50,000 जो है मंत्रिमंडल सचिव को होता है, वो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, यानी सबसे प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे ज्यादा जो वेतन है वो मंत्रिमंडल सचिव का है, और उसके बाद फिर सचिवों का, मुख्य सचिवों का वेतन आता है, और ओवरऑल अगर वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन सबसे ज्यादा है 5,00,000। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सचिव एक्चुअली केंद्र में होता है, केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडल बड़ा होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है। हाँ मतलब केंद्र में जो महत्व, जो स्थान मंत्रिमंडल सचिव का है वही राज्य मुख्य सचिव का होता है, सेम पद है, हालांकि इसको ज्यादा अधिकार है, ज्यादा काम है इसको, उस वो तो केवल मंत्रिमंडल सचिवालय का काम देखता है, वहां पर मंत्रिमंडल सचिवालय है अलग से, और उसका प्रमुख होता है मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। यहां पर राज सचिवालय एक ही है, मतलब एक ही सचिवालय है, उसका प्रमुख मुख्य सचिव होता है, वहां पर मंत्रिमंडल सचिव सेपरेट है, अलग से उसका सचिवालय बना हुआ है, उसका प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव है। वहां पर तीन सचिवालय मैंने बताए थे, तीन सचिवालय में केंद्रीय सचिवालय है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, और एक प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ जिसको बोलते हैं, इनके सबके अलग अलग हेड है ना, तो मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रमुख है वो मंत्रिमंडल सचिव कहा जाता है, सबसे बड़ा पदाधिकारी है, उसका वेतन सबसे ज्यादा होता है प्रशासनिक अधिकारी में, क्योंकि सबसे बड़ा पदाधिकारी, उसका वेतन है 2,50,000 रुपए। बाकी जो सचिव है, राज्यों के मुख्य सचिव हैं, उनका वेतन जो होता है 2,25,000। ठीक है, राज्य में एक ही सचिवालय है, राज सचिवालय, इसका हेड होता है मुख्य सचिव। ठीक है, वहां पर तीन सचिवालय, उनके तीनों के हेड अलग अलग है, केंद्रीय सचिवालय में तो खैर एक ओवरऑल हेड नहीं होता है, केंद्रीय सचिवालय में जो अलग अलग मंत्रालय है उनका प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ, इनके वेतन के संबंध में मैंने बताया है, और 2,25,000 वेतन इसको मासिक दिया जा रहा है वर्तमान में। फिर इसकी स्थिति यहां पर मैंने बताई हुई है, और इसी स्थिति के आधार पर इसकी भूमिका या इसकी कार्य हम लिखते हैं, यही पॉइंट आगे आएंगे, उनका उनको डिस्क्राइब करना है ना? अगर आपको स्थिति नहीं पूछी जाती है तो आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अलग से इसलिए बता दी कि स्थिति आप अलग से पूछ ले तो आप उसको लिखेंगे। राज सचिवालय का प्रधान होता है, यानी जो राज्य में राज सचिवालय है उसका प्रमुख होता है, उसका हेड होता है, इस रूप में उसके कार्य हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने केवल यहां पर स्थिति के पॉइंट लिखे हुए हैं। मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार, इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं ना, मंत्रिमंडल का ये सचिव होता है, ये जो है मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्य सचिव, यानी मंत्रिमंडल को उसके दायित्वों के निर्वहन में हेल्प करने का काम करता है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख होता है, ये राज्य स्तर पर एक विभाग होता है, सामान्य प्रशासन विभाग, इसको कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जीएडी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं जीएडी, जीएडी शॉर्ट में लिख देते हैं। राज्य में जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों में एक विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, ये कार्मिक विभाग के रूप में काम करता है, इसे केंद्र स्तर पर कार्मिक विभाग नाम है, जो केंद्र में कार्मिक विभाग का काम है वही राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग का काम होता है, मतलब तो कार्मिक एजेंसी इसको कहते हैं, यानी भर्ती है, नियुक्ति है, पदोन्नति है, सेवानिवृत्ति है, इसके संबंध में जितने भी काम होते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग में होते हैं, यानी आपका जो वास्ता है वो इसी विभाग से पड़ेगा, और लोक सेवा आयोग इसी के अंडर में तो नहीं कह सकते, इसी के साथ कंसल्ट करता है, मतलब इसका जो संपर्क होता है लोक सेवा आयोग का वो इसी विभाग के साथ होता है। उसी प्रकार से केंद्र स्तर पर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय होता है, इसी तरह का केंद्र में जो विभाग है उसका नाम है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, वो संघ लोक सेवा आयोग से कंसल्ट करता है, केंद्र स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, पदोन्नतियां हैं, सेवानिवृत्तियां हैं,
वेतन निर्धारण है, वो उनके संबंध में सभी जो नियम बनाए जाते हैं वो केंद्र में कार्मिक जो मंत्रालय है वो बनाता है और राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग बनाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि राज्य में जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसका अध्यक्ष जो है मुख्य सचिव होता है। देखिए मुख्य सचिव की दोहरी भूमिका हो गई है, डबल रोल हो गया। डबल रोल कैसे हो गया, दो का अध्यक्ष हो गया, ओवरऑल जो है राज्य सचिवालय का अध्यक्ष है और राज्य सचिवालय के अंतर्गत जो अलग अलग विभाग हैं उन उनमें से किसी एक विभाग, एक या दो विभाग का भी अध्यक्ष हो जाता है, तो यानी वो जो है शासन सचिव भी हो गया। यानी विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, शासन सचिव। तो मुख्य सचिव के साथ साथ वो एज ए शासन सचिव भी काम करता है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी के रूप में भी काम करता है। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, राज्य लोक सेवा उनका अध्यक्ष होता है, राज्य में जो लोक सेवाएं हैं अलग अलग सेवाएं हैं उनका अध्यक्ष उसको माना जाता है। राज्य स्तर पर मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है, राज्य स्तर पर जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे जो विभाग हैं, बहुत सारे जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनके बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाए रखने काम करता है। इसका जिक्र भी आगे हम कार्यों में करेंगे और ज्यादा। राज्य में जितने भी सचिव हैं उन सभी सचिवों का मुखिया होता है, उनका प्रमुख होता है, हेड होता है। ठीक है, विभाग अध्यक्ष के रूप में ये देखो वही पॉइंट आ गया जो हमने अभी पढ़ा है, सामान्य प्रशासन विभाग का अध्यक्ष होता है, इसके साथ साथ कुछ अन्य विभागों का भी अध्यक्ष वो हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा विभाग है जिसकी जिम्मेदारी किसी सचिव को नहीं दे सकते हैं तो फिर ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को वहन करनी होती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे राज्य सचिवालय की कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है वो मुख्य सचिव है। अब मान लीजिए कोई ऐसा विभाग है जिसमें प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अब किसी सचिव को अगर देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सॉल्व नहीं होगी, तो फिर मुख्य सचिव क्या करता है, मुख्य सचिव जो है उस विभाग की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, यानी खुद उसका अध्यक्ष बन जाता है, यानी प्रशासनिक प्रमुख बन जाता है। वैसे राजनीतिक प्रमुख तो मंत्री होता है, जो राजनीतिक प्रमुख होता है विभाग का वो मंत्री होता है, लेकिन जो प्रशासनिक प्रमुख है वो सचिव होता है। लेकिन सचिव को ये अधिकार ना दे करके ये अधिकार जो है मुख्य सचिव खुद अपने हाथ में ले लेता है और वो उस विभाग का संचालन करने लग जाता है। तो हम कह नहीं सकते कि किस विभाग को अध्यक्ष हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। नॉर्मली सामान्य प्रशासन विभाग का अध्यक्ष तो होता ही है, ऐसा आई बात समझ में। ये बहुत चीजें टेक्निकल चीजें हैं, इनको आप अच्छे ढंग से अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगे, नहीं तो फिर उलझ जाते हैं कि यार पता नहीं ये चक्कर क्या है, विभाग का अध्यक्ष फिर कैसे हो जाएगा वो, है ना, राज्य सचिवालय का प्रमुख भी और अध्यक्ष कैसे बन जाएगा। तो उसको समझना है कि अगर किसी विभाग को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसमें कोई विवाद चल रहा है, कोई घोटाला हो गया है और उस विभाग के दायित्वों का निर्वहन करने में जो सचिव है वो असमर्थ है, सचिव नहीं उसका निर्वहन कर पा रहे हैं, तो फिर मुख्य सचिव जो पूरे व्यवस्था का हेड है वो खुद जो है ये कोई विभाग अपने हाथ में ले लेता है। वही स्थिति है जैसे मुख्यमंत्री की होती है, जैसे मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा करता है, अलग अलग मंत्रियों को विभाग दे देता है, लेकिन मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये विभाग अपने हाथ में रखना चाहिए तो रखता है, तो बहुत सारे विभाग मुख्यमंत्री खुद अपने अंडर में रखता है। तो वही स्थिति यहां पर ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री कुछ महत्वपूर्ण जो विभाग है उनके अपने अंडर में रखता है, उनकी देखरेख खुद करता है, वैसे ही जो है जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य सचिवालय के अंतर्गत जो विभिन्न विभाग आते हैं उनके प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका खुद वो निभाता है। ठीक है, तो वो शासन सचिव बन जाता है, मुख्य सचिव के साथ साथ वो शासन सचिव भी है विभाग के प्रमुख रूप में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होता है वो, और वरिष्ठतम आईएएस पदाधिकारी होता है, ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया है, और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कई बार मैंने बताया हुआ है ना, केंद्र में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है और राज्य में मुख्य सचिव होता है, ये कई बार मैंने बताया हुआ। इसके बाद जो मुख्य सचिव होता है वो अपने राज्य, अलग अलग जो राज्य हैं और केंद्र सरकार, इनके बीच संचार की कड़ी होता है, यानी जो भी सूचनाएं भेजना है, सूचनाएं
सूचनाओं का आदान प्रदान करना है तो मुख्य सचिव के माध्यम से होता है। कोई भी केंद्र सरकार सूचना राज्य को भेजता है, राज्यों को भेजता है, तो उसका जो माध्यम होता है वो होता है मुख्य सचिव। यानी मुख्य सचिव के माध्यम से ही जो है वो सूचना राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये है संचार की कड़ी के रूप में। राज्य की विभिन्न सचिव समितियों का अध्यक्ष होता है, सचिवों का मुखिया होता है, मुख्य सचिव जो है सचिवों का मुखिया होता है। और राज्य की जो विभिन्न सचिव समितियां हैं अलग अलग विभागों को मिला करके सचिव समितियां बनती हैं, सचिवों की अध्यक्षता में समितियां बनती हैं, फिर उन समितियों का ओवरऑल अध्यक्ष जो है मुख्य सचिव को माना जाता है। ठीक है, सचिवों जो सचिव समितियां होती हैं अलग अलग विभागों में सचिवों को लेकर के समितियां बनाई जाती हैं, तो अलग अलग विभागों में जो सचिव समितियां कार्य करती हैं उन सभी सचिव समितियों का अध्यक्ष जो है मुख्य सचिव होता है। इस आधार पर जो है अलग अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित रखने का काम करता है। अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, यही पॉइंट आगे आप रिपीट होंगे, लेकिन आपको रिपीट नहीं करना है। ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए अलग अलग बताया है, स्थिति अलग बताई है और कार्य भूमिका अलग बताई है, ताकि अगर कभी स्थिति आपको अलग से पूछे तो आप लिख पाए। मैं चाहता तो इसको ना लिख करके सीधे स्थिति लिखता और वहीं पर उसके कार्य बता देता जैसा आगे किया गया है, लेकिन मैंने इसको अलग कर दिया है ताकि आप लोगों को स्थिति के बारे में पता चल जाए। मध्य क्षेत्रीय परिषद का सचिव होता है। एक्चुअली भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो विवाद क्षेत्रीय विवाद होते हैं विभिन्न राज्यों के बीच, उनको दूर करने के लिए टोटल 6 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई। राज पुनर्गठन जो आयोग था उसने जो है भारत में क्षेत्रीय परिषदों के गठन की सिफारिश की थी, तो उसके सिफारिश के आधार पर 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई थी और फिर 1971 में एक छठी क्षेत्रीय परिषद गठित की गई थी पूर्वोत्तर वाली। तो ऐसे टोटल भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें काम कर रही हैं, है ना। उनके नाम उसी आधार पर पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, मध्य है, दक्षिणी है, पूर्वोत्तर है, ये 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो इन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ने डिसाइड कर दिया कि भाई जो केंद्रीय गृह मंत्री होगा वो सभी क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष होगा। जो उपाध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है। जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो है मध्य प्रदेश सदस्य है इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है उसमें MP, UP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये राज्य जाते हैं। तो इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो जो है इस मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष कहलाएंगे। एक क्रम डिसाइड कर दिया जाता है कि दो दो साल में जो है जो मुख्यमंत्री होंगे वो इनके उपाध्यक्ष होंगे। ऐसे क्रम बता दिए, भाई अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं तो 2 साल बाद उत्तर प्रदेश के होंगे, फिर इसके बाद उत्तराखंड के होंगे, फिर छत्तीसगढ़ के होंगे, फिर MP के मुख्यमंत्री का नंबर आएगा। इस तरह से एक सीक्वेंस बना दिया जाता है, उसके आधार पर ये उपाध्यक्ष बनते हैं क्रमानुसार। और उसका जो सचिव होता है वो मुख्य सचिव को बनाया जाता है ना। जितनी भी क्षेत्रीय परिषदें हैं उन सभी में उन राज्यों का जो मुख्य सचिव होता है वो उसका सचिव कहलाता है। इसमें भी क्रमानुसार है क्योंकि एक से ज्यादा राज्य उसमें सम्मिलित होते हैं और सभी राज्य में मुख्य सचिव होता है, तो उसमें भी क्रम डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई अभी जो है मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव इसका सचिव होगा, फिर यूपी का बनेगा, फिर उत्तराखंड का बनेगा, फिर छत्तीसगढ़ का बनेगा, फिर MP का नंबर आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये जो मुख्य सचिव होता है राज्य का वो उस क्षेत्रीय परिषद का सचिव होता है। यहाँ पर मैंने मध्य क्षेत्रीय परिषद इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है इसका सदस्य MP है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है। ठीक है, बाकी अलग अलग 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, सभी क्षेत्रीय परिषदों के जो मुख्य सचिव होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं उस राज्य के। तो इस रूप में जो है क्षेत्रीय परिषद की जो कार्य प्रणाली है उसका संचालन इसके द्वारा किया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है। फिर इसके बाद इसके कार्य भूमिका यहां पर मैंने बताई हुई है, वही पॉइंट है, देखो बस इनको जो है कार्य के संदर्भ में इनको डिस्क्राइब करना है, है ना, इनके कार्य बताते हुए आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहला जो है मेन इसका काम है मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में
ये हम कल इसको पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि ज्यादा दूर रहेगा टॉपिक, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इसको मंडे को कंप्लीट करें। कल तो संडे है, तो मंडे को कंप्लीट हो जाएगा और मंडे को ही मेरे ख्याल से एक इसका तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सचो का। तो ये तीन टॉपिक रिलेटेड टॉपिक हैं, बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, तो आपको जो है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन पहले राज सचिवालय को आपको अच्छे ढंग से समझना है। राज सचिवालय आपने समझ लिया है तो आपको जो है फिर बाकी के टॉपिक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे, है ना। और फिर तो आगे खैर ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे जिलाधीश की भूमिका है, जिला प्रशासन है, उसमें को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट रहते हैं, डीप फैक्ट रहते हैं। वो डीप फैक्ट अगर कभी 2 मार्क्स में आ गए तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। जैसे इसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए हैं, अब आप अगर बुक उठा के देखेंगे तो एक साथ इतने सारे फैक्ट आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। बहुत इधर उधर से खोजबीन करके ये फैक्ट मैंने इसमें डाले हुए, ठीक। तो यहाँ तक हो गया है, यहाँ से कार से हम स्टार्ट करेंगे मंडे को और उसके आगे